अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे आपने इस वीडियो के थंबनेल को देख, इस वीडियो पे आपने क्लिक कर दिया है तो यहाँ पे आपको वॉच टाइम की जरूरत है। यहाँ पे मैं आपको 200% गारंटी तरीकाकार बताऊंगा जिससे आप अपने YouTube चैनल के लिए वॉच टाइम आप आसानी से हासिल कर सकते हैं। एक प्रीमियम होगा, दूसरा बिल्कुल फ्री होगा। ये वीडियो सच पर मबनी है तो आपने इस वीडियो को आखिर तक देखने, आपको आप जिस मकसद के लिए इस वीडियो पे आपने क्लिक किया हुआ तो आपका मकसद यहाँ पे पूरा होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, जैसे आप मेरे चैनल पे आते हैं यहाँ पे आपने वीडियोज पे क्लिक कर देने। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे प्रीमियम तरीकाकार बताने वाला हूं। तो यहाँ पे आपने स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे ये आरडीपी की वीडियो मौजूद है और स्क्रॉल डाउन आप करते हैं तो यहाँ पे ये वीडियो और उसके बाद ये वीडियो, हाउ टू इंस्टॉल आरडीपी, आरडीपी कैसे इंस्टॉल करते हैं, आपने आरडीपी किस तरह बाय करना है और उसके बाद यहाँ पे आप उससे वॉच टाइम किस तरह ले सकते हैं। अगर आपने 4-5 दिन में इन्वेस्टमेंट करके आप अपने यूट्यूब चैनल के लिए आप वॉच टाइम लेना चाहते हैं तो आप आरडीपी से अपना वॉच टाइम इंक्रीज कर सकते हैं। 4-5 दिन में अपना 4000 घंटे वॉच टाइम हासिल करके आप जो है ना अपना यूट्यूब चैनल मोनेटाइज करवा सकते हैं। ये आरडीपी आप जो है ना किसी बंदी से भी बाय कर सकते हैं, आप हमसे भी बाय कर सकते हैं, हमसे रब्ता कर सकते हैं और साथ साथ आप किसी भी वेबसाइट से उसको बाय कर सकते हैं। लेकिन इसका जो तरीकाकार है वो मैंने यहाँ पे वीडियो में समझाया हुआ है यहाँ पे कि आप अपने क्या आप RDPC जो है ना वॉच टाइम कैसे ले सकते हैं। उसके बाद आपने प्रीमियम जो है ना अपना वॉच टाइम किस तरह इंक्रीज करना है, जो कि एक जेन्युइन तरीकाकार है। उससे आपका YouTube चैनल की सिर्फ वॉच टाइम इंक्रीज नहीं होगा, साथ ही साथ आपकी YouTube चैनल की जो ऑडियंस रिटेंशन है वो भी यहाँ पे इंक्रीज होने वाला है। तो आपने प्रीमियम वॉच टाइम किस तरह लेना है उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे मैंने एक चैनल ओपन किया हुआ है। आपने सबसे पहले अपने चैनल्स में जो है ना वीडियोज डालने हैं, उस पर कुछ व्यूज लाना है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे कंटेंट्स पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटेंट्स पे क्लिक करते हो तो उसके बाद आपने एक एक वीडियो में यहाँ पे न्यू टैब में ओपन करता हो, अगर आपके पास मोबाइल है तो आप क्रोम में जाके डेस्कटॉप साइट पर ओपन कर सकते हैं, ठीक है। ये 4 वीडियोज यहाँ से मैंने ओपन किया और उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैंने स्क्रॉल डाउन करना यहाँ पे सेलेक्ट, ठीक है, प्लेलिस्ट। यहाँ पे अपने ड्रैग मेनू पे क्लिक करके मेरे पास पहले से यहाँ पे एक प्लेलिस्ट है तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। अगर आपके पास कोई प्लेलिस्ट नहीं है तो आपने यहाँ पे न्यू प्लेलिस्ट पे क्लिक करके एक प्लेलिस्ट बनानी है और उसके बाद आपने यहाँ से चेक ऑन कर देना है कि ये वीडियो इस प्लेलिस्ट में एड, और उसके बाद आपने डन पे क्लिक कर देना और यहाँ से आपने सेव पे क्लिक कर देना है। इस तरह मैं एक और वीडियो को भी करता हूँ, यहाँ से इसको भी मैंने यहाँ से इस प्लेलिस्ट में डाल दिया डन और उसके बाद सेव। ये वीडियो भी मैं यहाँ से करता हूँ, नीचे ड्रैग डाउन करता हूँ और यहाँ से इस प्लेलिस्ट को सेलेक्ट कर दिया, डन कर दिया और उसको सेव कर दिया और उसके बाद ये वाला वीडियो भी मैंने इस प्लेलिस्ट में डालता हूँ और उसके बाद डन और सेव। आपने क्या करना है कि आपके चैनल पे जितनी भी वीडियोज है आपने उसको एक प्लेलिस्ट बना के देना है और उस प्लेलिस्ट में आपने वो सब वीडियोज उस प्लेलिस्ट में आपने डाल देना है। जैसे आप अपनी सारी वीडियोज एक प्लेलिस्ट में डालते हैं तो उसके बाद आपने क्या करना है नेक्स्ट काम, अब वो यहाँ पे जैसे आप प्लेलिस्ट बनाते हैं तो प्लेलिस्ट बनाने के बाद यहाँ पे 2 तरीकों से आप अपनी वीडियोज को वॉच कर सकते हैं। पहली चीज़ जो आपके चैनल के लिए जो है ना मुफीद है वो ये है कि आप अपनी वीडियोस के टाइटल को सर्च करके अपनी वीडियो को वॉच कर लिया करें। अगर इससे नहीं होता तो आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने अपना चैनल का नाम सर्च कर देना है, उसको सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च करते हैं अपने चैनल पे आपने क्लिक कर देना है और उसके बाद प्लेलिस्ट पे आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ये ब्लॉग्स वाला प्लेलिस्ट है, उसमें हमने ये सारी वीडियोस ऐड की हुई है, यहाँ पे 29 वीडियोस अवेलेबल है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, जब भी आपने सोना हुआ, ठीक है, या आपके पास कोई पारक टाइम है, आपने ज़्यादा डेटे वाले जो है ना आपने पैकेजेस लगवा देने हैं और आपने यहाँ पे अपने प्लेलिस्ट को यहाँ पे प्ले कर देने। जैसे आप अपने प्लेलिस्ट को प्ले करते हैं यहाँ से आप अपना बैकग्राउंड ये जो वॉल्यूम है उसको आप म्यूट भी कर सकते हैं। यहाँ से आपने क्वालिटी को 144p कर देना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं करना ताकि आपका डेटा जो है ना ज़्यादा ज़ाय ना हो। और उसके बाद आप अपनी एक एक वीडियो को लाइव भी कर सकते हैं, नहीं तो ये एक वीडियो जैसे ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 1/29 तो आपका दूसरा वीडियो यहाँ पे प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे जो है ना इसकी वॉच टाइम इंक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद जैसे आपकी ये सारी वीडियोज यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, यहाँ पे 29 के 29 वीडियोज यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद आपने यहाँ पे ये वाला अकाउंट लॉग आउट कर देना है। लेकिन लॉग आउट करने से पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने यूट्यूब पे क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पे आपने हिस्ट्री पे क्लिक कर देना है। जैसे आप हिस्ट्री पे क्लिक करते हैं यहाँ पे क्लियर ऑल वॉच हिस्ट्री पे आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जितनी भी ये वॉच टाइम किया होगा अपने चैनल के लिए वो जो है ना यहाँ पे स्पैम में नहीं जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपने यहाँ पे अपना अकाउंट लॉगिन करके दोबारा यही सेम प्रोसेस आपने कर देना है। अगर आपके घर में कोई दूसरा मोबाइल लैपटॉप है तो इसी भी आप ये सेम मेथड करके आप अपना यूट्यूब चैनल यहाँ पे जो है ना उसकी वॉच टाइम आप इंक्रीज कर सकते हो। अब वो यहाँ पे रिकमेंडेशन ये है कि आपको आरडीपी लेना चाहिए या आपको ये सेम इसी तरीके का वॉच टाइम करना चाहिए। देखो आरडीपी से आपका वॉच टाइम जो है ना जल्दी कंप्लीट होगा, आपकी जरूरत पूरा हो जाएगा,
लेकिन जहाँ पे इस तरीके से आपका YouTube चैनल भी जो है ना ग्रो हो जाएगा, ऑडियंस रिटेंशन आपका ज़्यादा हो जाएगा, आपकी वीडियोस पर जो है ना व्यूज़ भी आएंगे, और लोग आपका चैनल सर्च करेगा तो आपका चैनल भी सर्च बार में आएगा, और आपकी वीडियोज़ अगर कोई सर्च करेगा तो वो भी सर्च में आएगा। तो इससे आपको बहुत फायदे होने वाले हैं। मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप इसी तरीके से अपने वॉच टाइम को जो है ना आप इंक्रीज़ कर लें। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मजीद इस तरह इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए टेक्निकल शकूर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।